हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्ले साउंड विद डिलीट सेटिंग को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी कि ऑन कर सकते हैं, और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं सेटिंग को, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आप देख सकते हैं प्ले साउंड विद डिलीट सेटिंग। तो राइट साइड से हम इसको ऑन कर देंगे, यानी कि इनेबल कर देंगे। इनेबल करते ही मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट है या फिर किसी चीज़ को आपको डिलीट करना है, तो उसको आप डिलीट करेंगे इस तरीके से, तो उस पर एक साउंड आएगी, ये सुनिएगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं डिलीट साउंड। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।